और भगवान पे हम छोड़ते हैं तो काम बनता है या बिगड़ता है? बनता है काम पक्का। तो हम हर चीज को, हर बात को उसको अर्पण करते चलें। हम मुरली में भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि घर में यदि हमने बाबा की ट्रांसलेट रखी है, चित्र रखा है, तो केवल उसको ट्रांसलेट या चित्र न समझें। हमने घर में जैसे बाबा को, चैतन्य में बाबा हैं, है ना, कई सेंटरों पे भाई बहन आते हैं, वो अनुभव करते हैं कि यहाँ इस सेंटर पे आते हैं तो हमें चैतन्य में अनुभव होता है कि बाबा है। तो ये वहाँ रहने वालों की स्थिति पे आधारित है सब चीज़ें। चैतन्य कौन बनाता है? आपकी भावना, आपका निश्चय चैतन्य बनाता है। तो अपनी भावना को, अपने निश्चय को बार बार चेक करना है, है ना? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। अर्जुन और कृष्ण का संवाद भी हम देखते हैं ना, कृष्ण ने कहा सब कुछ एक तरफ, मेरी नारायणी सेना, मेरा धन बल, मेरी सारी सेना, दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने क्या पसंद किया? अर्जुन ने क्या कहा कि तुम मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी विजय निश्चित है। हम क्या पसंद करेंगे कि करोड़ों रुपए एक तरफ रखें और एक तरफ बाबा? तो हम क्या कहेंगे, अभी ये काम, बहुत सारे काम है, अभी करोड़ों रुपए चाहिए? हाँ, कि भगवान को पसंद करेंगे, किसको पसंद करेंगे? तो पांडवों ने किसको पसंद किया? एक तरफ मेरा सब कुछ, दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था और युद्ध भी नहीं करूंगा। तो ऐसा निश्चय उस पर चाहिए।